नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की हिंदी बुलेटिन। देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करते वाली पोस्ट वायरल होने के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन गई थी। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस थाने के सामने जमा हो गए और पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ समय के लिए प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम युवकों ने शहर की मुख्य सड़क भी जाम कर दी थी। जमकर नारेबाजी करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग पोस्ट वायरल करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त लगाया हुआ था। पुलिस ने पोस्ट वायरल करने वाले गोपाल रेड्डी के खिलाफ धारा 255A के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले को शांत किया। इस दौरान करीबन 3 घंटे तनाव की स्थिति बनी रही। रेड्डी नावाच्या व्यक्तीच्या विरोधात 295A के मुताबिक गुन्हा दाखिल कर दिया है। पूरा मामला उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना धार्मिक भावना किसी की टेढ़ होना, धार्मिक भावना को दुख पहुंचाने के बारे में उन्होंने वैसी पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट को देखते हुए मुस्लिम लोगों की भावना भड़क गई है, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट दी। इस कंप्लेंट पर गुनाह दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। जलगांव तालुका में सातली गांव के लिए कोई सड़क नहीं है और बरसात के दौरान सड़क कच्ची रहती है, इसलिए ग्रामीणों को बड़ी मशक्कत से तालुका जाना पड़ता है और बरसात के दौरान सड़क पूरी तरह से बंद हो जाती है। निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई से प्रश्न दूर नहीं हुआ। ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामीणों ने यह मुद्दा हर्षवर्धन सपकाल के सामने उठाया। परिणाम स्वरूप पिछले सप्ताह जलगांव, जामोद, संग्रामपुर तालुका में बादल फटने से हुई बारिश के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण इलाज के अभाव में गांव के 27 वर्षीय युवक महेंद्र गवई और 57 वर्षीय महिला की मौत हो गई। समय पर एम्बुलेंस या वैन पहुंची होती तो दोनों की जान समय पर बचाई जाती। जिला परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर ग्राम प्रधान हर्षवर्धन सपकाल के साथ जिला परिषद CEO के कक्ष में धरना दिया गया। जळगाव जामोदच्या सातळी या गावच्या रस्त्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता, पण प्रलंबित आणि विदत गोंधळ जिल्हा परिषदेच्या विविध यंत्रणांनी घालून ठेवलेला होता। यातून लवकरात लवकर मार्ग निघावा म्हणून सातत्याने पाठपुरावा होता, मात्र त्याला यश येत नव्हतं। अखेर आज राहिलाच असतो। आम्हाला सकाळी 11 वाजेपासून तर 5 वाजेपर्यंत अतिरिक्त मुख्य कार्यपाल अधिकाऱ्यांच्या दालनामध्ये ठिय्या द्यावा लागला आणि ठिय्या देऊन त्या प्रकरणाची मंजुरा घेऊनच आम्ही उठलो। मात्र दुसऱ्या बाजूला गेल्या 15 दिवसांमध्ये 2 व्यक्तींचा मृत्यू सातळीमध्ये उपचाराअभावी झाला। जर ॲम्ब्युलन्स असती, वेळीच दुसरे वाहन उपलब्ध जर झाले असते तर हे दोन्ही रुग्ण दवाखान्यापर्यंत जाऊ शकले असते आणि पर्याने त्याचा जीव वाचला असता। मृत्यूस जिल्हा परिषद प्रशासन हे जबाबदार आहे, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली तरी गैर होणार नाही। यापुढे असे प्रकरण होऊ नयेत। या जिल्हा परिषदेमध्ये किती गावांचे प्रश्न प्रलंबित असतील, नाहक प्रलंबित असतील याची मोजदाद नाही। या जिल्हा परिषद यंत्रणेनी ताबडतोबीनं अशा सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आज सातळीचे ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांसोबत क्रिया आहे हा एकीकडे यशस्वी झाला असला तरी दुसरीकडे रस्ते अभावी आलेल्या समस्या आणि या दोघांचा झालेला मृत्यू हा आम्ही टाळू शकलो नाही, त्यामुळे याच्याबद्दल समाधान व्यक्त जरी करत असलो तरी विजयाचा आविर्भाव आम्ही करणार नाही। ही बळी आणि या समस्या या व्हायलाच नव्हता पाहिजे ही भावना या निमित्ताने आम्ही व्यक्त केली। NBCN न्यूज के लिए बुलढाणा से शेख समद की रिपोर्ट। भारतीय समाज की पहचान राम कथा से होती है। भागवत परंपरा में राम न केवल एक अच्छे इंसान है बल्कि मर्यादा पूर्ण राम भी है। श्री राम भारत में और भारतीयों के मन में जीवित है। पंडित दिवाकर प्रसाद पांडे ने कहा कि श्री राम संस्कृति और भारतीयता के प्रतीक है। न्यू मंगलधाम सोसाइटी में शिव पहाड़ी पर सार्वजनिक शिव मंदिर में पुरुषोत्तम मास निमित्त मंगलवार 18 जुलाई से बुधवार 16 अगस्त तक अखंड रामचरित मानस पाठ पंडित श्री राम बहोरी महाराज शारदाधाम मेहर द्वारा 11 पंडितों के साथ मधुर स्वर में रामचरित मानस की शुरुआत की। 18 जुलाई मंगलवार को सुबह 10 बजे सबसे पहले गणेश पूजन, पंचांग पूजन, राम दरबार पूजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बजरंग बली भक्तगण वाड़ी सार्वजनिक शिव मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वाड़ी क्षेत्र के सैकड़ों भावी भक्तगण प्रमुखता से भाग ले रहे हैं। जय श्री राम। सावण मास में सावण महीने में पुरुषोत्तम मास एक पवित्र मास है, जिसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ
30 दिन का रखा गया है। इसमें सभी भक्तगणों ने अपना सहयोग दिया है और सभी लोग आकर के अपना यजमान बन करके अपना पुण्य लाभ ले रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्त लोग आएँ और इसका लाभ उठाएँ। प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उसका नित्य श्रवण करें और फायदा उठाएं। सार्वजनिक शिव मंदिर ट्रस्ट न्यू मंगलधाम सोसाइटी के इस पावन पर्व पर अखंड रामचरितमानस पाठ पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में दिनांक 18 जुलाई से 16 अगस्त तक एक माह प्रतिदिन रामचरितमानस वाचन 24 घंटे पंडित श्री राम बहुरी महाराज व 11 पंडित के सहयोग से यहाँ पर पाठ गायन किया जाता है। पंडित जी शारदा धाम मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश से हमारे इस वाड़ी शहर में उपस्थित होकर इनके अर्थक प्यासे इनके प्रेरणा स्रोत से पंडित श्री दिवाकर प्रसाद पांडे वाड़ी इनके अथक प्रयास से यहाँ पर और वाड़ी शहर हनुमान भक्तगणों की के सहयोग से व वाड़ी के सहयोग से शिव मंदिर के सहयोग से यहाँ पर अखंड रामायण चरित्र पाठ यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी वाड़ी शहर के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर राम कथा का श्रवण ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस रामचरितमानस का लाभ ले रहे हैं। 17 अगस्त को भव्य महाप्रसाद इस शिव मंदिर के पावन धरती पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद। सार्वजनिक शिव मंदिर न्यू मंगलधाम सोसाइटी में रामचरितमानस का पाठ एक महीना अधिक मास के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये जो अधिक मास होता है 3 साल के बाद में एक महीने का होता है, हम लोगों को बड़े भाग्य से सावन महीने में ये अधिक मास मिला। बाड़ी में सभी हनुमान जी भक्त प्रेमी के द्वारा शिव मंदिर में रामचरितमानस का पाठ एक महीने का आयोजन किया गया है। यहाँ पे माँ शारदा से आए हुए सभी ब्राह्मणों को बुला करके रामचरितमानस का पाठ एक महीने का आयोजित किया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी भगवान प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के यहाँ पे भगवान का रामचरितमानस का पाठ का श्रवण करें। और इसके उपरांत में 17 तारीख को भव्य महाप्रसाद आयोजन किया गया है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग आकर के प्रसाद को ग्रहण करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ श्रवण करने के लिए आने क्या मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, भगवान के प्रति भगवान का प्रेम बढ़ेगा। और इसी के साथ में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। NBC न्यूज के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी वाड़ी द्वारा मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मणिपुर राज्य के कांगपोकी गांव में महिलाओं को नग्न कर देने की घटना ये मानवता को शर्मसार करने वाली है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और बलात्कारियों को तत्काल मौत की सजा दी जानी चाहिए। ऐसी मांग शिवाजी स्मारक खड़गांव रोड पर वाड़ी कांग्रेस ने की। सर्वप्रथम शिवाजी स्मारक परिसर में कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा कैंडल लगाई गई और मणिपुर घटना में मौत हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि उपलक्ष प्रार्थना की गई। इस उपलक्ष पर महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव अश्विन बैस, तालुका कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रकाश कोकाटे, जिला महासचिव दुर्योधन ढोने, वाड़ी शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अरुणा पगारे के नेतृत्व में अशोक गडलिंगे, शालिनी कोकाटे, रूपाली जीवनकर, मीनाक्षी पाटिल, नीता मडावी, वैशाली कुमरे, फूलन पटले, यशोदा मडावी, वचला धनविजय, सुरेखा तेलंग, गिरिता श्रीरा में, अस्मिता घुटके, प्रतिभा भगत, अतुल देरकर, सागर बैस, निखिल कोकाटे, रोहित रेवतकर, रितेश डिगरा से व समस्त महिला कांग्रेस युवक कांग्रेस कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। अत्याचार महिलांवर झालेला आहे मणिपूर येथील, हा महिलांवर झालेला अत्याचार देशातील प्रत्येक स्त्रीवर झालेला अत्याचार आहे, हा अशा प्रकारचा अत्याचार थांबला पाहिजे म्हणून आम्ही सरकार विरोधी निदर्शने जाहीर करत आहोत।
एनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को विपक्षी INDI यानी इंडिया ब्लॉक की मणिपुर यात्रा को राजनीतिक पर्यटन कहा। सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा करने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए तिवारी ने सुझाव दिया कि उन्हें संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति का आकलन करने पर ध्यान देना चाहिए और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें कि विपक्षी भारत गठबंधन के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 3 मई से जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य की जमीनी स्थिति को समझने के लिए इम्फाल पहुंचा है। इंडिया के सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वहां मणिपुर की स्थिति का विश्लेषण करने की बजाय वे हवाई अड्डे और हवाई अड्डे से अपने रास्ते की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। तो क्या वे राजनीतिक पर्यटन पर है? उन्हें ऐसा करना चाहिए, संसद में चर्चा कराने पर विचार करें। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। विपक्ष को अपने ऊपर विश्वास नहीं भाई, अविश्वास कब लाया जाता है? अविश्वास लाया जाता है कि या तो जो सत्ता में पार्टी है वो कई गठबंधन में चल रहा हो, आप शो करना चाहते हो गठबंधन के कुछ लोग खिसक गए हो इसलिए हम इसमें आ सकते हो, या तो आप कहते हो कि एक तिहाई आपने तोड़ लिए हो तब आप कहें। यहाँ सारा कुछ ठीक चल रहा है, हम 303 सांसद होते हुए भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में हमारा इस समय, हम जब आप सोचिए कि हम बड़े से बड़ा बिल पास कर लेते हैं तो बहुमत ही तो होता है, उसमें ये समय जाया कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपने लिए कह रहे हैं कि हमारा विपक्ष में नो कॉन्फिडेंस है। हिंगनघाट श्याम मित्र मंडल की ओर से शनिवार 29 जुलाई को जलाराम मंदिर में रात 8 बजे रामझूला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हैदराबाद निवासी यश वर्मा और श्याम मित्र मंडल हिंगनघाट द्वारा सावन के भजन प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में श्याम भक्तों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर इस भक्ति भरे कार्यक्रम का लाभ लिया। इस वक्त बड़ी संख्या में भाविक भक्त उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन श्याम मित्र मंडल द्वारा किया गया था। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि नोरकर की रिपोर्ट। मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े ने अमरावती जिले के बडनेरा में एक कार्यक्रम में बेहद अपमानजनक बयान देकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया। संभाजी भिड़े जैसा व्यक्ति राष्ट्रपिता की आलोचना करता है। समिति की ओर से क्रांति चौक पर जोरदार उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया। उर्फ संभाजी भिड़े, जिन्होंने जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके बारे में जो अपशब्द किया है, इसके खिलाफ औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी उनका निषेध करती है और हम चेतावनी देते हैं भिड़े को कि आप औरंगाबाद शहर में आके बताओ, हम आपको यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या बद्दल त्या अमरावतीच्या सभेमध्ये आरएसएसचा प्रचारक आणि एक मनुस्मृतीचा कीडा असलेला मनोहर कुलकर्णी तथा भिडे याचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यासाठी म्हणून शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज आम्ही या ठिकाणी एकत्र झालो। त्याचं कारण असं होतं की काल ज्या अमरावतीच्या सभेमध्ये भिडेने जे परवा शब्द अपशब्द वापरले ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हे सर्व देशाचं एक स्वातंत्र्य सेनानी म्हणून त्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी म्हणून मोठं योगदान, ऑस्ट्रेलियातून बॅरिस्टर होऊन आल्यानंतर सुद्धा एक विधभर पंचावर त्यांनी आपलं उभं आयुष्य वेचलं आणि या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी मोठं काम तुम्हा आम्हा सगळ्यांना माहिती आहे ते केलं। अशा माणसाबद्दल, अशा नेत्याबद्दल, अशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधीबद्दल एखादा मनुस्मृतीचा किडा जर चुकीचं बोलत असेल तर त्याचा आम्ही काँग्रेसजन म्हणून त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि क्रांतीचौक पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्यांच्या विरोधात कंप्लेंट नोंदवतो, एवढंच आम्हाला या प्रसंगी सांगायचं आहे। धन्यवाद। आज के बुलेटिन खबरों में बस इतना ही। रोजाना की खबरें देखने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज।